ये नॉन कंडक्टर बोलने का स्टाइलिश तरीका है और कुछ नहीं। नॉन कंडक्टर बोल लीजिए, डायलैक्ट्रिक एक ही बात है। ओके, ये थोड़ा सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है तो डायलैक्ट्रिक बोल देते, और कुछ नहीं है, नॉन कंडक्टर। ओके, थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के बैकग्राउंड में जाएंगे डायलैक्ट्रिक वर्ड समझने के लिए, राइट। सो यदि हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के बैकग्राउंड में जाके डायलैक्ट्रिक वर्ड को समझने की कोशिश करें तो वी विल रियलाइज कि यहां पे होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में जा रहा हूं मैं, एक चार्ज Q है, Q1 लेट्स से, एक चार्ज Q2 है, ओके, और हम एक ऐसे मीडियम में है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ER है, ओके, रिलेटिव परमिटिविटी ER है, इसी को यहां पे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहेंगे, यहां पे हम इसको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में रिलेटिव परमिटिविटी कहते थे, खैर That's not the main thing. Main thing is this. यदि कोई हमसे पूछ ले Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है तो उसका जवाब हम देते हैं 1 by 4 pi ER epsilon naught Q1 Q2 by R square. ये हम जवाब देते हैं फोर्स का जो चार्ज Q1 पर लग रहा है। समझ में आ रही क्या मेरी बात? इतना फोर्स चार्ज Q1 पर लग रहा है Q2 चार्ज के द्वारा। If you have any confusion, please say. समझ में आती है बात यहां तक? Q2 चार्ज के द्वारा Q1 पे इतना फोर्स लग रहा है, ये सवाल जब पूछेंगे, मैंने शायद थोड़ा गलत बोल दिया, ये लग रहा है फोर्स ऑन चार्ज 1, लेकिन कोई हमसे पूछ ले बताइए 1 का 2 पर कितना फोर्स लग रहा है तो उसका जवाब ये होगा। ये है 1 पे लग रहा फोर्स और ये है 1 का ऊपर 2 के द्वारा लग रहा फोर्स। व्हाट इज द डिफरेंस? राइट, मैं फिर से बोलूं, 1 पे लग रहा नेट फोर्स ये है, लेकिन 2 का कंट्रीब्यूशन उस फोर्स में इतना ही है, क्योंकि जो हमारा कूलम लॉ है वो मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं होता। भले ही हो सकता है आपने गलत सलत पढ़ लिया हो कि जी कूलम लॉ मीडियम पर डिपेंडेंट होता है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। कूलम लॉ मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं होता। दो चार्जेस के बीच में फोर्स हमेशा Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो। समझ में आ रही क्या मेरी बात? पक्का या नहीं आ रही है? श्योर? सो बढ़ू आगे। पहले जमाने में लोग ऐसा सोचते थे कि जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है उसकी परमिटिविटी चेंज होती रहती है और फोर्स अलग अलग एक्सपीरियंस करता है चार्ज वन, राइट। बहुत बाद में जब एटम की डिस्कवरी हुई, एटम का स्ट्रक्चर समझ में आया, तब समझ में आया कि एक्चुअली हो ये रहा है कि वन पे फोर्स जो लग रहा है उसके दो कॉज है, एक तो चार्ज टू और एक मीडियम के एटम्स का पोलराइजेशन। इसलिए हमने कहा था कि वन का टू पे फोर्स मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मीडियम की परमिटिविटी चेंज हो गई, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं होता। या तो हम ये सोच ले मीडियम की परमिटिविटी चेंज हो गई, उसके अंदर जाके क्या हुआ कि फोर्स चेंज हो गया हमें नहीं मालूम। हम तो मान लेंगे कि हर मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है, वैक्यूम की भी परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, और उस जमाने में वैक्यूम को सोचते थे कि वैक्यूम वैक्यूम नहीं होता, वहां पे एक इमेजिनरी मीडियम होता है ईथर, जिसका आर ओ आर से कोई रिलेशन नहीं है, राइट, दैट्स नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ईथर, वो कुछ और ही ईथर था, राइट। और बाद में प्रूव हुआ इधर भी इधर कुछ नहीं होता,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, राइट, तो नहीं होता, बाद में प्रूव हुई ये बात। अदरवाइज बड़े लोगों का मानना यह है कि यह फोर्स का फॉर्मूला है, जहां पर वन का टू पे फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मीडियम, इट इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन कि ऐसा हो रहा है। गॉट इट? बड़ू में आ गया। तो यदि हम इस लॉजिक से आगे बढ़े और कोई भी कैपेसिटर चाहे किसी भी शेप का हो, उसमें हम ये बोल दें कि हमने एक डायलैक्ट्रिक का स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, जहां जहां फील्ड है वहां पर डायलैक्ट्रिक डाल दिए, इसका मतलब ये हो सकता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर है तो अपन ने बीच की सारी जगह को डायलैक्ट्रिक के डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से भर दिया है। यदि वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उनके बीच में जहां जहां फील्ड होती है उसको अपन ने के डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से भर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पक्का? जहां जहां फील्ड है वहां सब जगह अपन ने के डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मीडियम भर दिया है, ऐसा हम सोच रहे हैं। बड़ू में आगे श्योर? ठीक है, तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो सब जगह फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगी, फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगी, हेंस पोटेंशियल भी के टाइम्स कम हो जाएगा। राइट, यदि आप कैपेसिटेंस याद करें इट वॉज क्यू बाय डेल्टा वी, राइट, तो यदि पहले कैपेसिटेंस इतना था तो नया कैपेसिटेंस Q बाय डेल्टा V बाय K आएगा, मतलब कि नया कैपेसिटेंस ओरिजिनल कैपेसिटेंस से K टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे कोई और शेप का हो जो हमें नहीं आता। लेकिन यदि अपन ने उसमें जहां पर भी फील्ड थी उन सब जगहों पर डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K भर दिया तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। इज दिस ओके? क्लियर है बात? हालांकि हम अपना रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक ही रखते, वो एक अलग बात कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री इजी होती है, सवाल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बट मुद्दा ये है कि कोई भी कैपेसिटर को यदि अपन डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम से बढ़ देंगे तो क्या होगा? उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। राइट? क्यों चेंज होता है? क्योंकि फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है। उसका रीजन दो तरीका है। मैक्सवेल के जमाने में लोग ये सोचते थे कि मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया, क्योंकि उस जमाने में एटम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। एटम की डिस्कवरी की बात समझ में आया कि मीडियम का कुछ नहीं होता, ऐसी कोई चीज नहीं होती कि मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, वो तो मीडियम के जो एटम्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं और उनकी वजह से डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो जाता, मतलब उनकी वजह से फील्ड चेंज हो जाती है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं चेंज होता, सॉरी, फील्ड चेंज हो जाती है, मीडियम के एटम्स के पोलराइजेशन की वजह से फील्ड चेंज हो जाती है। बढ़े आगे, कुछ पूछना? श्योर? श्योर? कुछ भी नहीं पूछना? और समझ में आया था? अब हम अपना कंसंट्रेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे रखेंगे और किसी के बारे में अपन बात नहीं कर रहे, ठीक है? और उसके पहले एक दो थ्योरेटिकल बातें हैं सिंपल सी, पहले ये समझ लें, उसके बाद ही आएगा, आप लोगों के समझ से परे हैं। यदि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इमेजिन करें क्या हो रहा है, तो समथिंग लाइक दिस मस्ट बी गोइंग ऑन। ये कैपेसिटर है आइसोलेटेड, इसको प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज दिया, पहले इसमें फील्ड होती थी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, यही फील्ड होती थी। लेकिन अब यदि हमने इसमें एक डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है, समझ रहे मेरी बात?
सब जगह डायलैक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो फील्ड कितनी हो गई क्यू बाय ए के एप्सिलॉन नॉट, हेंस हम प्रूव कर सकते हैं कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो था सी नॉट या सिंपली ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट गॉट इट, गुड आउट, कुछ भी पूछना हो, किसी को समझ में आया यहां तक, नहीं आया ठीक है, यदि यहां हम सोचे क्या हो रहा है तो दिस इज व्हाट मस्ट बी गोइंग ऑन, इस चार्ज की वजह से यहां पे डाइपोल्स बन गए होंगे, समझ रहे हैं क्या मेरी बात, समथिंग लाइक दिस, इन डायपोल्स पे भी यदि अपन ध्यान दें तो बीच वाले जो डायपोल्स हैं इसका माइनस प्लस उसके माइनस को साथ बहुत पास होगा, इसका कोई खास असर नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, अफेक्टिवली देखेंगे तो हम ऐसा सोच सकते हैं जैसा मेटल की स्लैब में होता था कि सिर्फ सरफेस पे चार्ज आता था, वैसा ही हम यहां पे भी सोच सकते हैं, बस डिफरेंस इतना सा है कि ये जो चार्ज है बाउंड चार्ज है, राइट, बाउंड मतलब कि ये फ्री वाला चार्ज नहीं है, ये बाउंड चार्ज है, इसलिए ये लिमिटेड अमाउंट में ही माना जा सकता है, उतना नहीं माना जा सकता कि जिसने आके फील्ड कैंसिल कर दी, समझ में आ रही मेरे बात, हमको पता है कि यहां पर जो फील्ड आएगी वो इतनी आएगी, ये हमें कैसे पता, पुरानी वाली थ्योरी से कि मीडियम का चेंज आता है, लेकिन अब हम ये सोच सकते हैं कि इस फील्ड में इस प्लस क्यू और माइनस क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना है, इतना, बाकी किसने करा है फिर, इस माइनस क्यू और प्लस क्यू ने, और इसने किस तरफ फील्ड प्रोड्यूस करी होगी, प्लस ने इस तरफ, माइनस ने भी इसी तरफ, जबकि वो प्लस माइनस वालों ने ओरिजिनल फील्ड किधर प्रोड्यूस करी थी, इस तरफ, समझ में आ रही क्या मेरी बात, राइट, तो यदि हम ये वाली फील्ड यहां पर लिखेंगे तो इट वुड बी माइनस क्यू बी बाय ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दे इस साइड में हम के नहीं लिख रहे, क्योंकि जब हम ऑलरेडी ये मान रहे कि चार्ज है पोलराइज्ड तो फिर के नहीं लिखेंगे, के मान रहे तो पोलराइजेशन नहीं सोचेंगे, पोलराइजेशन सोचेंगे तो के नहीं लिखेंगे, उसी को सोचने का अलग तरीका है, यहां के मत लिख दीजिएगा, यदि अपन ने पोलराइजेशन मान लिया तो के मानने का कोई मीनिंग नहीं है, वो उसी को सोचने का एक डिफरेंट तरीका है, got it, any doubts, समझ में आ गया कि नहीं, अरे इसको सॉल्व करके हम चाहें तो बाउंड चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते बाय ए एप्सिलॉन नॉट काट पीट के, कितनी आती है बाउंड चार्ज की वैल्यू, क्यू वन माइनस वन बाय के, दिस इज द वैल्यू ऑफ बाउंड चार्ज, कोई तकलीफ, ये समझ में आ गया, इस तरफ के क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक ही आइडिया को लिखने के दो तरीके, एक एटम की खोज से पहले का, एक एटम की खोज के बाद का, मतलब एटम की डिस्कवरी से 50 साल पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो गई थी, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज, इलेक्ट्रॉन की खोज से 50 साल पहले, जो कुछ पूछना है, राइट, यहां पे एक बड़ा सिंपल सा थ्योरेटिकल पॉइंट है वो भी याद रख लें, ये समझ में आ गया डायपोल वाला इफेक्ट, अपन ने यहां पे इन सब बीच वाले चार्ज का इफेक्ट छोड़ के सिर्फ एज पे जो चार्ज बचा था उसका ले लिया, ओके, वेरिएशन ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विथ टेम्परेचर, क्या लगता है आपको टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा,
डायरेक्टली कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ? वर्मा जी के फंडे गोल है एक्चुअली इस मामले में. What happens as temperature increases? Anyone? कुछ तुक्का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? चलिए कोई तुक्का नहीं, लिख लीजिए, क्यों टाइम वेस्ट करूं आप जैसे लोगों के साथ में भी. अरे पोलर डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो, और नॉन पोलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बोल दिया मैंने. ओके, पोलर डायलेक्ट्रिक्स का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, वेयर इज इट विल नॉट अफेक्ट नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स. ठीक है, पोलर का मतलब आपको पता होगा. पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल दे सकता है कोई? कोई पढ़ा लिखा हो? हैं? HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर. ठीक है, ठीक है. क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि टेम्परेचर पोलर डायलेक्ट्रिक का डायपोल बनना फील्ड डिसाइड नहीं करती है, वो पहले से डायपोल बना होता है. फील्ड लगने की वजह से वो सिर्फ डायरेक्टेड हो जाता है फील्ड के डायरेक्शन में. टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे से वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा. जबकि नॉन पोलर तो जब भी बनेगा डायपोल, जहां पे भी जाएगा वहां पर उसका डायपोल मोमेंट वुड बी अलोंग फील्ड, क्योंकि वो खुद से डायपोल नहीं होता, उसको डायपोल फील्ड बनाती है. जबकि पोलर का डायपोल वो खुद से पहले से बना होता है. Got it? कुछ पूछना है? Sure. Anything? चलिए. So theoretically तो इतना ही है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. अब इसमें बेसिक दो तीन टाइप के सवाल होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, तो वो ले लेते हैं अपन. ठीक है, जैसे ये स्क्वायर प्लेट्स है, राइट, एल बाय एल साइड की, इसमें हमने दो अलग अलग डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिए. के वन और के टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, आधे आधी दूरी में. कोई तकलीफ? श्योर. ऑलराइट, तो इसके अंदर हम जानना चाहते हैं कि कितना इसका कैपेसिटेंस होगा. राइट, पहले इसका कैपेसिटेंस होता था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी. राइट, अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा यदि अपन ने दो अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब्स इंट्रोड्यूस कर दी है. बिगिन.